फरवरी का महीना जैसे जैसे नजदीक आता है, हर वर्ग के लोगों का ध्यान केंद्रीय बजट की ओर जाता है। लोगों की आस होती है कि सरकार उनके लिए बजट में कुछ खास लेकर आ रही हो। आमतौर पर मध्य वर्ग, किसान, बुजुर्ग और व्यापारी वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। लेकिन सरकार के पिटारे में किस वर्ग के लिए क्या होगा, इसका पता तो 1 फरवरी को ही लगता है। फिलहाल यही स्थिति है, बजट पेश करने के दिन नजदीक आ गए हैं और तमाम वर्ग के लिए लोगों को बजट से उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। तो आइए जानते हैं इस बार यानी कि 2023 का बजट कैसा रहेगा। 2023 का बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, लिहाजा इस बजट को साल 2024 के चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो इस बार के बजट में टैक्स सेलेब्स में बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन ये बदलाव पुराने टैक्स सिस्टम में नहीं किए जाएंगे। इन बदलावों को अगर किया गया तो सरकार 2020 में लाए गए नए टैक्स सिस्टम में करेगी। हालांकि इस बार के बजट से देश के मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें हैं। बातचीत के आधार पर लोगों का मानना है कि इस बार के बजट में आयकर के स्लैब में बदलाव होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई का खर्च 80 से बाहर हो, स्वास्थ्य बीमा योजना पर छूट को बढ़ाया जाना चाहिए, आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ेगा तो इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही लोगों को इस बार के बजट से रोजगार के अवसर बढ़ने और खाली पदों पर नियुक्ति होने की उम्मीदें भी हैं। आइए जानते हैं बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य पत्रिका के एक समारोह में उन्होंने कहा कि वह स्वयं मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए उनका दर्द समझती हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान मध्यम वर्ग पर किसी नए टैक्स का भार नहीं दिया है। 5 लाख तक की सालाना आमदनी वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास को बढ़िया पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, इसलिए हमने 27 शहरों तक मेट्रो का विस्तार किया है। मिडिल क्लास फैमिली को रोजगार के लिए शहरों का रुख करना पड़ा है, ऐसे में हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री का ऐसा बयान मिडिल क्लास के लिए निश्चित तौर पर उम्मीदें जगाता है। साथ ही इस बार के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलने वाली किश्त की बढ़ोतरी के भी संकेत मिल रहे हैं। इस बार के बजट में किसानों को मिलने वाली 2000 रुपए की किश्त 4000 किए जाने की घोषणा हो सकती है, जिससे किसानों को आय बढ़ाने में आसानी होगी। इसके अलावा बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन और उनसे जुड़ी योजनाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है।